जब मुद्दे नहीं होते हैं, दारिद्र होता है, कुसंस्कार भरे पड़े होते हैं, अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा होता है, तब जाकर के किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है। भाई आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय मोदी पर हमला बनने के उनके सारे शस्त्र नाकाम हो गए, तो अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं। मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए कांग्रेस के लोग। मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं, और आप यहां तक पहुंच गए। मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? करते हैं क्या? क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या उनके नेता को शोभा देता है? क्या मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बा तोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करें।